हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लाभ। तो आधुनिक युग में कॉमर्शियल या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रारूप में जॉइंट स्टॉक कंपनी एकाकी एवं मतलब सोल प्रोप्रेटरशिप तथा पार्टनरशिप की तुलना में अधिक पॉपुलर सिद्ध हुई है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो एडवांटेजेस हैं उसे हम पॉइंट वाइज पढ़ते चलते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है स्थाई अस्तित्व। तो स्थाई माने एग्जिस्टेंस, अस्तित्व माने एग्जिस्टेंस और स्थाई माने परमानेंट। तो परमानेंट एग्जिस्टेंस, तो सदस्य की मृत्यु, दिवालिया अथवा पागल होने आदि पर कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एतत्व इस प्रकार की इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप की अपेक्षा बहुत ही परमानेंट होती है। इस परमानेंट एग्जिस्टेंस का परिणाम यह होता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना सकती है एवं लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी कर सकती है। देन सेकंड जो है वो है प्रजातांत्रिक प्रबंध एवं संचालन माने डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट एवं ऑपरेशन। तो इस कंपनी में कार्य संचालन का क्षेत्र अति विस्तृत होता है, इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है, इसलिए वे सब मैनेजमेंट में भाग नहीं ले सकते तथा उनके द्वारा चुने गए जो मेंबर्स हैं जो वो मैनेजमेंट का कार्य करते हैं। कंपनी में स्वामित्व एवं प्रबंध अलग अलग किए कर दिया जाता है, जिससे यह संभव हो जाता है कि अत्यंत श्रेष्ठ अनुभवी तथा कुशल संचालकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति में लाभ उठा सकें। तो यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट एवं ऑपरेशन होता है, जिसमें जो मेंबर्स की जो संख्या वो है काफ़ी अधिक होती है और इसमें जो मैनेजमेंट में भाग को हर कोई नहीं ले सकता। इसमें क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर पार्ट मेंबर्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है और उन्हें ही मैनेजमेंट के कार्य के लिए अथॉरिटी दी जाती है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा स्किल्ड होता है, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, और तो वैसे ही लोगों को एज ए मैनेजर और कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर उनका उनसे लाभ उठाया जा सकता है। देन थर्ड जो है वे एकाधिकार के लाभ। तो बड़े पैमाने पर व्यापार करने से कंपनियों को एकाधिकार से लाभ प्राप्त होने लगते हैं, जैसे प्रतिस्पर्धा का अभाव तथा ऊंचे मूल्यों पर विक्रय करके अधिक लाभ कमाना। फोर्थ जो है जोखिम का विभाजन। तो साझेदारी जैसे व्यावसायिक संगठन में संपूर्ण जोखिम कुछ व्यक्तियों को ही उठाना पड़ता है, कंपनी में यह रिस्क इतने व्यक्तियों में बढ़ जाता है कि किसी को उसका भार अनुभव ही या फील नहीं होता है। यहाँ पर जो रिस्क है वो क्या करते हैं, सभी जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन्स के ऊपर रिस्क का लोड नहीं होता है। जब उसके बाद एंड फिफ्थ जो है वो है विशाल वित्तीय साधन माने लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेस। तो कंपनी का एक उल्लेखनीय आकर्षक उसकी असीम वित्तीय क्षमता है। सीमित दायित्व तथा जोखिम के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रतिभूतियों के कारण विनियोक्ता निसंकोच कंपनी में अपना पूंजी का नियोजन करता है। कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार पूंजी की मात्रा में विस्तार या संकुचन कर सकती है। तो इसमें जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काफ़ी लिमिटेड होती है और जो रिस्क जो है वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स में वो विभिन्न प्रकार के प्रतिभूतियों के कारण विनियोग निसंकोच कंपनी में अपनी पूंजी का नियोग करता है। माने यहाँ पर जो है वो क्या करता है, जो इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं, बिना कोई रिस्क के इस टाइप की कंपनीज में क्या करते हैं, अपना कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये इसका जो एग्जिस्टेंस वो क्या होता है, परमानेंट टाइप के होते हैं। और कंपनी जो है आवश्यकता अनुसार क्या करती है, इसका एक्सपांशन और क्लोजिंग कर सकती है।
देन फोर नेक्स्ट जो है वो है बड़े पैमाने के उत्पादन को प्रोत्साहन, माने जो लार्ज नंबर ऑफ लार्ज क्वांटिटी में जो प्रोडक्शन होता है उनको क्या करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। तो कंपनी में शेयर्स को निर्गमित कर अधिक मात्रा में पूंजी जुटाई जा सकती है। अधिक पूंजी की मात्रा होने के कारण उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पे क्या है, हम शेयर्स को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, जिसके क्या होता है बड़ी मात्रा में हम क्या कर सकते हैं, पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं। और जिससे जब बड़े ज़्यादा मात्रा में हमारे पास पैसे इकट्ठा होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं। देन सस्ता उत्पादन माने चीपेस्ट प्रोडक्शन। तो कंपनी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करती है इसलिए उत्पादन का जो लागत है वो कम हो जाता है। फलस्वरूप वस्तुएं उपभोक्ता के रास्ते दाम सस्ते दामों पर उपलब्ध होती है और समाज को लाभ होता है। काफ़ी सिंपल पॉइंट है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, जो 6 और 7 पॉइंट दोनों आपस में मिलते जुलते हैं और दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों पॉइंट एक दूसरे को। देन एट जो है पूंजी के अनुसार अधिकार। कंपनी के सभी शेयर होल्डर कुछ ना कुछ अपने कैपिटल्स को इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए सभी को बोलने और अपनी सजेशन को रखने का अधिकार होता है। देन नेक्स्ट है वैधानिक व्यक्ति। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित व्यक्ति है, माने एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लीगली हम क्रिएट करते हैं। इसका जीवन मरण भी जो है वो लीगल प्रोसेस के थ्रू होता है। शेयर होल्डर अथवा जो इसके जो संचालक हैं, जो मैनेजर हैं, में परिवर्तन होने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए अन्य स्वरूपों की अपेक्षा इसकी ख्याति अधिक है। इसका एडवांटेजेस काफ़ी अधिक है और ये बहुत पॉपुलर है। देन नेक्स्ट है वो है वैधानिक विनियोक्ताओं को लाभ। तो कंपनी संगठन के से समाज को सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि विनियोक्ता वर्ग अपने लाभ की मात्रा को देखते हुए विनियोग करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने लाभ के लिए विभिन्न व्यवसायों में धन लगा सकता है। माने क्या है, इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट मार्जिन को देखते हुए क्या करते हैं, इसमें बड़े क्वांटिटी में अपने पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिसका लाभ जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी को मिलता है। देन लास्ट जो है वो है आयकर संबंधित रियायतें। तो कंपनी को इनकम टैक्स अधिनियम के अंतर्गत कई प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडी और इंसेंटिव दी जाती है। उदाहरण के लिए कंपनी द्वारा संचालकों को दिया जाने वाला वेतन आदि स्वीकृत व माना जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं और जो 11 एडवांटेजेस हैं तो हमने इसे पढ़ा है और इसमें के जो सभी पॉइंट्स हैं मैक्सिमम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए और इसे पढ़िए। थैंक यू।